बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के विरुद्ध एफआईआर की मांग को लेकर अड़े जूनियर डॉक्टर्स, शुरू की हड़ताल, ओपीडी बंद, मरीज परेशान। शिवपुरी जिले में बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी की दबंगई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी विधायक, उनके पीए और 3 समर्थकों पर डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की धाराओं में एफआईआर की मांग पर अड़े मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। गुरुवार की सुबह मेडिकल कॉलेज में एकत्रित हुए जूनियर डॉक्टरों ने पीड़ित डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जूनियर डॉक्टर ने वी वांट जस्टिस और अस्पताल में राजनीति नहीं चलेगी के नारे लगाए। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल पर चले जाने से मेडिकल कॉलेज की ओपीडी बंद हो गई है, जिससे मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जूनियर डॉक्टर्स अपने साथी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल 1 नवंबर की रात अपने रिश्तेदार को देखने मेडिकल कॉलेज पहुंचे बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी पर आरोप है कि उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर हरिओम धाकड़ के साथ अभद्रता कर मारपीट की है। और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने इस मामले को लेकर शिवपुरी कोतवाली थाने में लिखित आवेदन देकर बीजेपी विधायक, उनके पीए और 3 समर्थकों के विरुद्ध एफआईआर की मांग की थी। कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी भी उन्होंने दी थी। इसी क्रम में गुरुवार से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। ये पूरा जो मामला कल से चल रहा है, विधायक ने जो मारपीट की थी आपके जूनियर डॉक्टर के साथ, अब आपकी कॉलेज प्रबंधन से बातचीत हुई है, क्या पूरा डिसीजन निकला है? सर, जैसे कि ऑब्वियसली बात है कि कोई भी विधायक आके एक डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करे या उसे थप्पड़ पड़े, ये हमारे साहस को रोकता है कि फिर हम उतनी डेडिकेशन के साथ पेशेंट्स के साथ काम नहीं कर सकते। हमारे लिए, हम एक डॉक्टर है, चाहे फिर एक विधायक आए चाहे मिनिस्टर आए, हमारी बुक ने हमें सेम ही ट्रीटमेंट कराया है। विधायक आने से मेरा ट्रीटमेंट चेंज नहीं होने वाला है। तो हमने ये सारी चीजें अपने डीन मैम, डीन सर के सामने, इला मैम के सामने रखी है, एमएस सर के सामने भी रखी है। वो लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमें वर्मा सर ने बताया कि हाँ, विधायक जी पब्लिक अपॉलोजी के लिए रेडी है, वो सबके सामने माफी मांगने के लिए रेडी है। तो हमने भी मान लिया है, ठीक है, कि जब वो पब्लिक अपॉलोजी कर लेंगे, सबके सामने माफी मांग लेंगे, तो हम सब अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करके अपने काम पर रिज्यूम कर लेंगे। बिकॉज हम पेशेंट्स को ज्यादा देर तक कोई मुसीबत में नहीं रखना चाहते, बिकॉज वी नो कि अगर हम यहाँ खड़े हैं तो पेशेंट सफर कर रहा है। उसके अलावा हमने ये डिमांड रखी है कि पब्लिक अपॉलोजी के बाद हम ब्लैक बैंड बांध के काम करेंगे, क्योंकि हमारी साइमल्टेनियस डिमांड भी है, जिसमें कि हम चाहते हैं कि वो उनके अगेंस्ट एफआईआर लें। और हमारे हॉस्पिटल का जो सीसीटीवी फुटेज है, बेसिकली वो जब सामने आया तो उसमें से 2 मिनट का फुटेज गायब है, बेसिकली जिस टाइम वो मारपीट हुई। तो हमने वो डिमांड भी की है कि वो कैसे गायब हो सकती है विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द सिस्टम। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लूप होल तो है, ऐसे कैसे केवल वही वीडियो 2 मिनट का गायब हुआ? तो हमने वो डिमांड भी की है। तो उन्होंने कहा है कि वो टेक्निकल कमेटी को बुलाएंगे, ऐसा हमें वर्मा सर ने बताया कि ये प्रॉब्लम काफी दिन से चल रही थी, जो कि हमें तो एज सच नहीं पता है कि सीसीटीवी फुटेज में ऐसा स्टोरेज में प्रॉब्लम है। हमने टेक्निकल कमेटी से बात की तो उसका ये कहना है कि जब कोई चहल पहल नहीं होती है या अंधेरा होता है तो वीडियो जंप कर जाता है। जब ऑब्वियसली बात है, छप्पड़ पड़ा है तो मूवमेंट तो हुआ है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लूप होल है। तो हमने अभी सिर्फ यही डिमांड रखी है, हमें वो फुटेज चाहिए, एफआईआर चाहिए कल मॉर्निंग तक, कि वो इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी एफआईआर करें और हमारे पर्सनल एफआईआर भी रहेगा। तो अभी हम सिर्फ पब्लिक अपॉलोजी के बाद अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर लेंगे विद द ब्लैक पेन। तो जब वो सार्वजनिक रूप से आपसे माफी मांग लेंगे तो फिर एफआईआर वाला इशू कहां रह जाता? सर, एक बात बताइए, अगर आज मैं किसी को थप्पड़ मार दूं और फिर सबके सामने माफी मांगू, इज इट फाइन? आप मान लेंगे ओके है? नहीं सर, प्रॉब्लम ये नहीं है, उसने मेरे जूनियर को थप्पड़ नहीं मारा है, उन्होंने डॉक्टर पैटर्निटी को थप्पड़ मारा है, जिनमें ही आप थोड़ी टाइम पहले का उनका वीडियो मेरे पास आया है, आई थिंक आज सुबह का है या कल शाम का है। उन्होंने बेवजह डॉक्टर्स के ऊपर अननेसेसरी ये हुआ है मेडिकल कॉलेज में, विधायक है विधायक जी के एक परिवारजन और उनकी भतीजी या भांजी जो भर्ती थी, जिसको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी, उसको देखने के लिए आए थे। तो वहाँ ड्यूटी डॉक्टर्स जो था उसको शायद उन्होंने अज्ञानतावश या जैसे कि नहीं समझ पाए, एक दूसरे को आपस में नहीं देख पाए कि कौन है, वो भी नहीं समझ पाए कि वो विधायक हैं, और उस व्यक्ति को उन्होंने कंपाउंडर से संबोधित किया। तो उनके बीच में शायद कुछ इस तरह की हॉट टॉक हुई है, उसने बोला कि हम कंपाउंडर नहीं है,
तो उसके बाद में जब चीजें बढ़ी हैं तो उनके जो साथ में थे विधायक जी के साथ में जो उनके ड्राइवर या उनके सपोर्टर जो भी रहे हों तो उन्होंने शायद उसको धक्का मुक्की की है, उसके बाद में फिर ये विवाद बढ़ा हुआ। कल जैसे एक चीज और सामने आ रही है जो सीसीटीवी फुटेज उस वक्त घटना के सामने आए उसमें सर कहीं कुछ जंप है एक आदमी का जिसको लेकर सीसीटीवी फुटेज हमारे एक्चुअली में खराब चल रहा है, हमने बता भी दिया था उसको लगाने वाली कंपनी को, तो उसको हम बुला के ठीक करवा रहे हैं, तो उसमें कहीं कहीं कंटिन्यूअसली है, ऐसा कुछ नहीं ऑलरेडी आ रहा सर। हाँ वो कंटिन्यूस आ रहा है इसलिए हम उसको दिखवा रहे हैं। बिल्कुल टेक्निकली प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम पहले भी चली आ रही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो खुद बता रहे हैं मतलब कि जैसे कि डॉक्टर्स ने जैसे बताया कि उन्होंने जैसे उसको धक्का मुक्की की है तो स्वीकार कर रहे हैं, सामने वाला भी स्वीकार कर रहा है।